आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर पेटीएम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पेटीएम एप्लीकेशन से बाहर आइए, उसके बाद अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स को ओपन करके नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आकर आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन, ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करिए। ऐप्स पर क्लिक करके ऊपर ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करिए। ऐप मैनेजर का ऑप्शन आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से हो सकता है, तो इस पर क्लिक करके आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आइए और नीचे आकर आपको मिलेगा इस टाइप से गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। क्लिक करके यहाँ पर फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए, बैक आइए, डेटा यूसेज पर क्लिक करिए। अगर आपका डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई दोनों ऑप्शन चालू हैं तो इन ऑप्शंस को बंद करिए और उसके बाद बैक आ सकते हैं और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि बंद करके चालू करिए और उसके बाद आप चेक करिए, अब आपके फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हम चेक कर लेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, पेटीएम इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।